चरण सेवने होइबो जे मन श्रीराधर सुख सतत साधने रहिबो आमी Oh,
राइट राइट साइड में आ जाए, बहुत बढ़ने का स्थान है। যারা আপনারা ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন এইদিকে চলে আসুন, অনেক জায়গা আছে। আপনারা সামনে আ যায়, পিছে অলোক ব্যক্তিদের বহু জায়গায় সামনে আ যায়। উই সিটিং দ্য ফ্রন্ট কে প্লিজ কাম মোর ফরওয়ার্ড দেন এভরিবডি ক্যান টেক সিট। প্লিজ কাম লিটল ফরওয়ার্ড দেন আদার ক্যান টেক সিট। যে লোক উধার খড়ে ইধার আ যায়, আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক জায়গা আছে। उन्हीं का आश्रय
हम सबका जीवन का एक आधार है। तो हम लोग आए हैं श्री बरसाना धाम, जहाँ से विश्वभानुनंदिनी राधा जी का गोविंद के साथ नित्य विहार। विश्वभानुनंदिनी श्री राधा कृष्ण की अंतरंगा स्वरूप शक्ति ग्लादिनी है, कृष्ण के नाम ग्लादिनी, जो सदा सर्वदा कृष्ण का आनंद वर्धन करती है। विश्व मोहन कृष्ण समस्त जीवों के, प्राणियों के, स्थावर जंगम सबके आकर्षक हैं। ऐसे विश्व चुंबक कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली भुवन मोहन श्याम सुंदर की मनमोहिनी श्री राधा है। गोविंदा नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, कृष्ण कांता शिरोमणि, जो सदा सर्वदा गोविंद को आनंदित करती है, गोविंद के मन को मोहित करती है, कृष्ण के प्राण सर्वस्व, कृष्ण कांताओं की सर्व शिरोमणि स्वरूपा है। श्याम के कराए श्याम रस मधुपान, श्याम सुंदर श्री कृष्ण को निरंतर श्याम रस मधु, जो उन्नत उज्जवल प्रेम रस, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, इस प्रकार महाभाव की जो और विलास वैचित्र प्रेम की पराकाष्ठा है, उन सभी भावों को आस्वादन कराती है। इसलिए श्याम रस मधु कहा गया है। महाभाव स्वरूपेयम गुणै रतिर परी असि, विश्वभानु नंदिनी श्री राधा महाभाव की मूर्ति है। गोविंद निरंतर राधा जी के उस महाभाव रस का पान करते हैं और उनके गुणों के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा कृष्ण सदा सर्वदा उनके वशीभूत रहते हैं। ऐसी जो विश्वभानु नंदिनी अनंत गुणों के आधार है, जो कि गंधोन मादित माधवा संत केशवा श्रया, निरंतर केशव को आश्रय करके रहती है, जिनके मन में, प्राण में, हृदय में, बाहर भीतर सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है और दूसरे कोई नहीं। ऐसी जो विश्वभानु नंदिनी श्री राधा गंधोन्मादित माधवा, जिनके अंग गंध से सुगंधित चारों ओर सुरभित सुगंधित होता है, श्याम सुंदर स्वयं राधा जी के अंग गंध के द्वारा उन्मादित हो जाते हैं। जो कि जस्या कदापि वसनान चल खेलो नथ, जब विश्वभानु नंदिनी राधा जी मान अभिमान करके राधा कुंड के दूसरी तरफ उस समय श्याम सुंदर
एक तरफ आकर के बैठे, राधे 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 जपते रहे। उस समय राधा जी के अंग गंध से सुगंधित हो करके पवन देव बहते हुए चले। पवन का स्पर्श पा करके उस समय कृष्ण स्वयं कहने लगे, हे पवन देव, तुम्हारा नाम गंधव सुगंध को प्रवाहित करके ले चलते हो। तुमने राधा जी की अंग गंध मुझे प्रदान करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया, धन्य कर लिया है। इसलिए कृष्ण स्वयं कहने लगे, पवने न गीतार्थ मानी, हे पवन दे, तुम धन्य अति धन्य हो, जो राधा जी की अंग गंध को तुमने स्पर्श कर लिया और उसके द्वारा मुझे भी आनंद प्रदान किया। ऐसी जो विश्ववानो नंदिनी राधा जी थी, जिस दिशा में, उस दिशा के लिए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद नमन करते हैं कि मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूं जहां राधा गोविंद की ऐसी लीलाएं हैं। ऐसे ही हमारे आचार्य गण गोस्वामी पाद सभी राधा जी के आश्रय ले करके उनके भाव के कारण पाने के लिए साधना करते हैं। हमारे गुरु वर्ग सिखाते हैं, बोले साधना किसकी साधना, बोले राधा जी के भाव के ये कारण हमारे अंदर आ जाए, उस भाव को पाने के लिए साधना। हमें कृष्ण की प्राप्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। राधे राधे श्याम मिला दे, ये बाहर के लोग कहते हैं, परंतु हम लोग कभी नहीं कहते राधे राधे श्याम मिला दे कि श्याम से हम करेंगे क्या। हमें राधा जी के भाव के ये काल मिल जाए, इसलिए हम लोग गुरु वर्ग का आश्रय लेते हैं। जो मंजरी भाव में सदा सर्वदा अवस्थित है, राधा जी की नित्य किंकरी बन करके उनकी सेवा में डूबी हुई है, उन सब के हृदय स्थित भाव का एक काम हम लोगों के हृदय में आ जाए, यही हमारी साधना है। इसलिए हम सब की प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी वृषभानु नंदिनी श्री राधा, अतएव देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, जो दोतमाना परमा सुंदरी कृष्ण कीड़ा की बसती और नगरी, ऐसी जो वृषभानु नंदिनी राधा वो है देवी, जो कि निकुंज वन की देवी, जयति संजीवनी निकुंज देवी, जो कि संजीवनी औषधि। कृष्ण स्वयं राधा जी के विरह में मूर्छित हो जाने पर उनकी मूर्छा दूर करने में और किसी का हिम्मत या सामर्थ्य नहीं है। जब वृषभानु नंदिनी राधा जी उनके मस्तक पर हस्त रखती है, अपने करकमल को रखने के साथ साथ कृष्ण की मूर्छा दूर होती, ऐसे देवी कृष्णमयी कृष्ण जिनके बाहर भीतर सदा सर्वदा कृष्ण में खोई हुई डूबी हुई है, जो कृष्ण की समस्त प्रकार इच्छा अभिलाषाओं को पूर्ण करती है। इसलिए पुराणों में उनको राधिका कही जाती है।
कृष्ण सबके आराध्य देवता हैं, परंतु कृष्ण के भी आराध्य कौन है जो कि वृषभानु नंदिनी राधा पर देवता, समस्त लक्ष्मियों की मूल लक्ष्मी स्वरूपा महालक्ष्मी श्री राधा, समस्त सौंदर्य की कांति की सबकी पराकाष्ठा। इसलिए सबकी परा सबकी सर्व शिरोमणि स्वरूपा प्रवदानंद सरस्वती पाद ने राधा जी को कहा कि वे सप्त सिंधु राधा हैं, नदियां हैं, सरोवर, तालाब, पोखर, लोटा और घड़े में भी पानी है, परंतु कोई भी नदियां तक समुद्र के साथ कोई बराबरी नहीं कर सकती, न कोई समता में है। समुद्र तो अपने में ही महान असीम अनंत अगाध समुद्र है। ऐसे ही वृषभानु नंदिनी राधा सप्त सिंधु है, सप्त समुद्र वात्सल्य के, प्रेम के, गुणों के, रस के, भाव के, सबके समुद्र। इसलिए कृष्ण की समस्त प्रकार इच्छा विलासा को पूर्ण करने वाली वृषभानु नंदिनी श्री राधा है। आज हम उनके सान्निध्य जन्म स्थल में आए उनकी कृपा भिक्षा के लिए, हम सबके प्रश्न उनकी कृपा दृष्टि करुणा दृष्टि पर यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण। ड्यूरिंग आवर साक्री खोर क्रॉसिंग वन डिवोटी हैज लॉस्ट हिज स्मार्टफोन, somebody has received his deposit to us। साक्री खोर पार करार समय একজন একটি ফোন হারিয়ে গিয়েছে, যদি কেউ পেয়ে থাকেন এখানে দিবেন। साक्री खोर से आते समय साक्री खोर में ही भीड़ में का फोन गिर गया है, यदि किसी को मिला है दे जाए। आप लोगों ने हिंदी में श्रवण किया, हमारे उत्तम प्रभु गा रहे थे, श्री राधिका चरण सेवने हुई बजे बाल्य दासी। राधिका के चरण सेवा करने के लिए हमें बाल्य दासी बनना पड़ेगा, तो पहले जानना पड़ेगा बाल्य दासी कौन है, बाल्य दासी किसे कहते हैं, बाल्य दासी का डिफिनेशन क्या है, तभी तो हम समझ सकते हैं। शास्त्र में कहा गया पाल्लदासी सचा प्रक्ता परिपाल्ला प्रियं वदा सामनोवृत्ति रूपेण या नित्य परिचारिका। क्या कह रहे हैं, पाल्लदासी सचा प्रक्ता, उन लोग को ही पाल्लदासी कहा जाता है जिनको परिपाल्ला प्रियं वदा, जो राधिका के द्वारा संपूर्ण रूप में विशेष रूप में परिपालनीय है। बोले ना क्या चीज को दे रहा है, परिपाल्ला प्रकृष्ट रूप में राधा जी पालन पोषण करती है, सबको तो पालन पोषण करती है, विशेष करके नित्य सखी एवं प्राण सखी को विशेष रूप में परिपालन करने के कारण परिपाल्ला कोई मंजरी है। प्रिय नित्य सखी एवं प्राण सखी, और क्या है, प्रियम वदा, बहुत मधुर भाषी है। राधा कृष्ण को मिलन कराने के लिए वो लोग क्या करती हैं, जो अपरागित नायक कृष्ण को सुना सुना करके दूर से राधा जी की महिमा वर्णन करती हैं, और राधा जी को कृष्ण के महिमा वर्णन करती हैं। प्रियम बता बहुत मीठा भाषी, मीठी भाषी है। या मनोवृत्ति रूपे न, उनका मनोवृत्ति क्या है, सब समय राधिका की सेवा करना और उनका नित्य परिचर्या करना। एक हो गया किंग करो मैं, किंग करो मैं क्या करूँ, इन लोग किंग करी भी कहा गया, ये पाल्लदासी का डेफिनेशन है।
of Sri Van Maharaj, Radhaji ke charan mein Van Maharaj bahut sata hai, samay sankshep hai, samay mein dhyan rakhte hi karenge. Sajami Radham Aravindu Nitram Smarami Radham Madhura Smritashram Vadami Radham Karuna Bharatram Tato Mamanasti Gatir Nakabhi. Sri Guru Vaishnava ki anugatya mein hum log Brajmandal parikrama karte karte vishesh karke गहरवन परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह गहरवन के अंतर्गत यह श्रीजी मंदिर का स्थान है. ये राधा कृष्ण की मिलन स्थल कहा जाता है और नीचे विश्वभानु महाराज के महल कहा जाता है, जहाँ पर विश्वभानु महाराज अपने पत्नी कृतिका सुंदरी और अनंग मंजरी और श्रीदाम के साथ रहते थे. वो हम लोग नीचे दाग करके दर्शन करेंगे. ये अत्यंत सुंदर सुरम्य स्थान है जहाँ पर हम लोग आए हैं. ये विश्वभानु नंदिनी लागनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा कृष्ण की जितने भी शक्तियाँ हैं, समस्त शक्ति के सर्वोपर शक्ति कहा जाता है लागनी शक्ति व आनंद. यह आनंद शक्ति के द्वारा स्वयं कृष्ण के भी आनंद प्रदान करती है. आनंद के द्वारा कृष्ण के नित्य कराती है. स्वयं के कराए स्वयं रस मधुपान स्वयं रस स्वयं के सत्संग का स्वयं जी के कृष्ण के जो है स्वयं के जो है स्वयं रस यानी सिंगार रस पान करा. जैसे मैंने श्रीमद भागवत में भी श्रीमद जी भागवत की पहली श्लोक में मंगलाचरण में जन्मादश जत अन्यादि त्रतश्च आपकी जीव जगत समस्त जगत के आनंद प्रदान करती है. इसलिए गुण आनंद आनंद स्वरूपिणी श्रीमती राधिका हमारे कृष्णदास कविराज राधा जी के पांच नामों में एक विशेष नाम कहा गया. क्या वो नाम? राधा जी कांति की निष्ठा. जब तक हमारे राधा जी के चरण कमल में वैकांत तब वह प्राप्त नहीं कर सकते. इसलिए अभी भी महाराज ने जो कहा व्याख्या किया जे राधा जी के जितने भी सखियां उस सखियों में पांच सखियों की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया. सखी नित्य सखी प्राण सखी पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी. सखी और नित्य सखी नित्य सखी और प्राण सखी. इसमें किंतु तब उस समय मंजरियों के बुलाते हे सामिनी हे राधे अब हमें रक्षा करें. इसलिए राधाई कनिष्ठ ललिता विषादा में प्यादे कभी कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलते हैं, किंतु मंजरिया जो है कभी स्वतंत्र रूप में तो छोड़ भूल के सपने में ओपी सपने भी कभी कृष्ण के साथ साथ मिलने की भी लालसा नहीं रखते हैं. जिससे महाराज ने भी भावन लाभ रति जिसमें प्रकाशित होते रहते हैं. इसलिए कथा राधे कनिष्ठ और दूसरी क्या है अनारद्ध राधा पदम अनाश्रित वृंदा अटपी और एकांत में वृंदावन में स्थान में वास करना पड़ेगा. तिष्ठं व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालं नये दखिलं तपदेश सारं हमारे रूप गोस्वामी पास एकमात्र वृंदावन वास करना पड़ेगा. और वृंदावन में कहां सखी स्थल नहीं जहां पर चंद्रावली के सखी सखी जो है वो सखी स्थल नहीं एकमात्र राधा कृष्ण के निभृत कुंज कुंज की स्थल में वास करना है. और चौथा तीस वह रसिक भावुक रसिक भक्त के संग जब तो तार हम तार भक्त संग सदा रस रस कथा लीला कथा रस प्रेम कथा से पर से भाई भनसा हमारे बुद्धिमान ठाकुर भी कहते हैं ऐसे रसिक निकुंज सदन में राधा गोविंद के निवृत्त निकुंज उसी बिलासन के कथा रुचि रखने वाले रस रखने वाले ऐसे संत महात्मा की बैठ करके वह रसलीला कथा श्रवण करे और उसमें भाव में तदात्म हो जाए तो आप उसको प्राप्ति कर सकते हैं. इसलिए कहते हैं अनारुद्ध राधा पदम जरेनु
ಅಮೃತವಿಂದ ಅಟವಿ ತತ್ಪದಾಂಗ ಅಸಂಬಸ ತದಭಾವ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ತಾನ್ ಹೇ ಕಮಲ ಕೆ ಭಾತಿ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಚಂದ್ರಮಾ ಕೆ ರಶ್ಮಿ ಕೆ ಕಮಲ ಜೈಸೆ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಪಂಖುಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಜಾತೆ ವಿಕಸಿತ ಹೋ ಜಾತ ಹೈ ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಕೆ ಹೃದಯ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಆಪ್ ವಿಕಸಿತ ಹೋಗಾ ಇಷ್ಟ ಹಮಾರೆ ವಿಶ್ವ ಭಕ್ತನೋ ಠಾಕುರ್ ಕಾತೆ ಹೈ ಬಾರೆ ಕ್ಯಾ ಬದೆ ವಿಶ್ವ ಭಾನು ಪೂರೆ ಜನಮ ಲೋಯಿವ ಜಬಟೆ ವಿವಾಹ परिचर्चा आदि करने के लिए वो स्थान हमें प्राप्ति हो वंचा गुरु कृपा सिंधु वचिता राधा रानी कैसे मेरे प्रेम का आस्वादन करता है
जगत में सबसे सुंदर मैं हूँ, इसलिए जिनको बताया रस वैस रसम जेवायाम लब्ध्वानंद भवती, कहते कृष्ण कौन है, वो अखिल रसामृत मूर्ति, वो रस स्वरूप कृष्ण है, लेकिन मैं स्वयं रस स्वरूप होते हुए भी विश्व ब्रह्मांड आनंद मैं प्रदान करता हूँ, लेकिन मुझे कौन आनंद प्रदान करते हैं, कहते स्वयं राधा रानी ये मुझे आनंद प्रदान करती है। इसलिए जिनकी प्रेम की बात स्वयं कृष्ण भी जिनकी प्रेम का समझ नहीं पाए, इसलिए श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं बोले राधा कृष्ण प्रणय विक्रीति शक्ति रस्मात् एकात्मना भुवि पुरा देह भेदौ गतौ तौ चैतन्यार्क प्रकट मधुना तद्वयं चैकमाप्तम राधा भाव दुति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। ललिता सखी वो क्या कहती हैं, बोले राधा है कौन, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति, बोले राधा और कोई नहीं, कृष्ण प्रेम को अगर कहीं एक मूर्तिमान रूप दिया जाए ना, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे राधा रानी का दो स्वरूप है, एक स्वरूप जो मूर्ति रूप में दर्शन करते हैं, कहते एक स्वरूप उनका अमृत रूप में, वो अमृत रूप में स्वरूप क्या है, ये प्रेम श्रद्धा से प्रारंभ होता है, श्रद्धा साधु संग भजन किया अनर्थ निवृत्ति रुचि प्रेम, यही प्रेम जब घनीभूत अवस्था को प्राप्त करता है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग और भाव महाभाव, ये अमृत रूप में राधा रानी कौन है, कहते महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, कहते तत्व का राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है, चापी राधा सापी कृष्ण चा राधा कृष्ण एक ज्योति विधा भिन्न राधा माधव स्वरूप, राधा कृष्ण कोई अलग नहीं हो एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी लेकिन कलयुग में स्वयं श्याम सुंदर राधा रानी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव और अंग कांति लेकर के कलयुग में स्वयं श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में कौन, कृष्ण स्वयं जगत में प्रकट हुए। इसलिए कहते भागवत में कोई कोई कुछ प्रश्न करते बोले भागवत में तुम लोग वृंदावन में जाओ, देखो वृंदावन में किसका नाम लेते हैं, जोर से बोलो राधे 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 बोलते हो, अरे ये श्रीमद् भागवत में राधा रानी का क्यों नाम नहीं है, अब तो इतने राधे राधे बोलते हो, लेकिन हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं भैया भागवत में तो राधा नाम छोड़कर कोई और कुछ नाम है ही नहीं, भागवत में जो प्रथम प्रारंभ करते हैं जन्मादस्य यही से प्रारंभ करते हैं, जिनसे आदि रस की प्रकट होता है और सत्यंग परम धीमहि बोल करके उनकी पराशक्ति स्वयं श्री राधा रानी को वंदना करते हैं। जब श्री रासलीला की जो प्रथम श्लोक है बल भगवान अभितारात्रि सरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया समावृतम, कहते रासेश्वरी कौन है, बल रासेश्वरी स्वयं राधा रानी, ये जोग माया शब्द बोल करके श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम श्री राधा रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरण में प्रणाम करते हैं। जब रासलीला प्रारंभ हुई राधा रानी रत्न सिंहासन में बैठी हुई श्याम सुंदर जाकर के श्री किशोरी जी से कहते हैं किशोरी जो रास प्रारंभ होने वाली है, तुम तो रासेश्वरी हो, कृपया रास में आप पधारो, कृपया राधा रास में पधारो। इसलिए रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी और रास का जो सार क्या है, जिस समय सबके सब रासलीला में थे, स्वयं कृष्ण भी थे, स्वयं श्री ललिता विशाखा चंद्रावली सबके सब थी, लेकिन जब श्रीमती राधा रानी ये रासलीला को परित्याग करती है, रास टूट जाती है, रासलीला टूट जाती है, और जब श्री राधा रानी को भ्रमण करते करते राधा रानी को ढूंढते ढूंढते जब राधा रानी को ढूंढ रहे हैं ब्रज गोपियां, इतने में सुंदर कृष्ण का चरण चिन्ह देखा, देख करके बोले ये तो कृष्ण है, लेकिन जब और थोड़ी दूर जाते हैं ना, देखते हैं उनको दोनों का बीच में एक सुंदर एक चरण चिन्ह है, कहते ये देखो ये तो लगता है कोई सखी के चरण चिन्ह है, लेकिन उसमें श्री सुखदेव गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कहते भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है, यहाँ पर शब्द उच्चारण किया बोले अनया आराधित नूनम भगवान हरि ईश्वर
जन्ना बिहाय गोविंद। यही पर श्री राधा रानी का नाम को ग्रहण करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते मानो यहाँ पर सबके सब गोपियां थी, लेकिन जब श्री राधा रानी रास छोड़कर चली गई, रास बंद हो गई। कहते देखो यद्यपि सबके सब यहाँ पर थी, लेकिन श्री श्याम सुंदर किसको लेकर साथ में गए? इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? कहते प्रिया सुत श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवास। कहते राधा रानी के प्रिय सुख है, राधा रानी जी को चुंबन करती थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए। बोले यद्यपि तुम लोग अभिमान करते हो श्याम सुंदर हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन देखो देखो तो सही यहाँ पर सबके सब गोपियां तो थी, लेकिन श्याम सुंदर बीच में किसको लेकर के चले गए? क्यों? राधा जी की चरण को ही सेवा करने वाली, इसलिए राधा रानी की चरण के चिन्ह इनको बताए। और राधा रानी की चरण चिन्ह को देख करके समझ गए ये हमारी श्री किशोरी श्री राधा रानी की है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर डिक्लार करते हैं जब यहाँ पर सबके सब गोपियां थी लेकर गए किसी को, केवल श्री राधा रानी को ही लेकर गए। बोले श्रीमती राधा रानी की। जब श्री गोपी गीत को गाते हैं इसका पहला श्लोक में बोले जयती तेनिका जन्मना प्रजा श्रयता के तेरा कहते हैं ये सुखदेव गोस्वामी राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में क्यों नहीं लिया? बोले कारण है राधा नाम उच्चारण मात्र न सर्वमार्षिक मूर्छा भवे। वो एक बार राधा जी के नाम उच्चारण करते ही वो 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। बोले भैया सात जी के अंदर फिर कथा किसे सुनाऊंगा, इसलिए राधा जी का नाम नहीं लिए। दूसरा कारण बताते हैं सुखदेव गोस्वामी ईश्वर जी से प्रश्न करती है, हे राधे आपका नाम को मैं किस रूप में ग्रहण करूं? स्वयं श्री राधा रानी आदेश देती हैं मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो छुपा करके लेना। इसलिए उन्होंने कहीं ता कहीं सखी कहीं वधु कहीं लक्ष्मी इसी रूप में राधा रानी का नाम को ग्रहण करती हैं, इसलिए स्पष्ट रूप में श्री राधा रानी का नाम उन्होंने ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भागवत की कण कण में श्री राधा दिवस छोड़ करके और इसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारे गुरु जी एक सुंदर श्लोक उच्चारण करते थे, उस श्लोक को हम उच्चारण करते हुए प्रणाम करता कहते गुरुदेव कहते थे बोले हा देवी का को गर्भ आद्य वाचा जाते निपत तद्वत उद्भटारती अस्य प्रसाद मभुदस्य जनस्य कृत्वा ये दो श्लोक गुरु जी की बड़ी प्यारी श्लोक था। क्यों? गुरुदेव कौन है? ये रमण मंजरी है। मंजरी होने का नाते अभी माधव महाराज बता रहे थे ना पाल दासी का डेफिनेशन क्या बता रहे थे, इसलिए ये दो श्लोक में राधा रानी की जो पाल दास भाव इसमें मंजरी भाव है, इसलिए गुरुदेव क्योंकि मंजरी थे इसलिए ये दो श्लोक गुरुदेव बोलते थे बोले राधे आपके चरण में हाहा खाते हुए बारम्बार दंडवत प्रणाम करते हुए आपके चरण में केवल एक ही प्रार्थना करते हैं। बोले क्या प्रार्थना करते हैं? बोले तब गणी गणे नाम देती हम आपका गण में आपका रजिस्टर में आप सबसे नीचे हमारे नाम को सबसे नीचे लिख दो, इसलिए तबई वास में नव जीवा में तो बिना, इसलिए हे राधे तेरे बगैर मैं प्राण धारण नहीं कर सकता हूँ ये जान करके तब नरनाम चरणाम के आपके श्री चरण में हमें स्थान दो।
इसलिए हम गुरु जी के अनुगत में यहाँ पर आए, इसलिए यही श्लोकों के द्वारा श्री राधा जी के चरण में प्रार्थना करते हैं। राधे कृपा करके आपकी सबसे रजिस्टर के सबसे नीचे कृपा करके हमारे नाम लिख दो। लेकिन वो नाम लिखने से पहले जो वैष्णव लोग बैठे हैं ना गुरु जी लोग, पहले ये गुरु वैष्णव की अनुगत करना पड़ेगा। राधा रानी इतने आसानी बात नहीं, इसलिए बहुत आसानी बात नहीं, पहले गुरु जी की अनुगत, फिर गुरु जी की कृपा करके उनको गुरु जी, उनको गुरु जी, फिर श्री रति से श्री रूप मंजरी, फिर रूप मंजरी लेकर के श्री ललिता सखी, फिर ललिता सखी लेकर कहीं श्री जुगल सरकार की सेवा में लगाएंगे। पहले हमारा कर्तव्य है, अभी जो गुरु वैष्णव हमारे सामने, पहले इनके चरण में बच्चा कल्प दुर्भष्ट कृपा सिंधु वैवजन पतिता नान पावने पोइन रघु नमन। हरे कृष्णा। मंजरी उपासना इज टू वेज, वन इज अकॉर्डिंग टू आनंद मंजरी हु इज इंडिपेंडेंट हीरोइन मोड, another Rupa Manjari. Srila Bhakti Vinod Thakur Sevan Goswami is mainly following Ananda Manjari. All other Gurubandhus, they are following Rupa Manjari. Although Manjari has all quality of independent heroine, but they are not accepting, not executing their power other than Ananda Manjari. And here all of you know that we, I am the biography of Gurudev, first and second volume. Now I am working third and fourth volume. I will give there the discussion between Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj and Gurudev. It has been shown there, even Manjari sir dancing with Krishna and other gopis in grass dance. And how Krishna meeting with Manjaris, that also described there, quoting from scripture. But our only one desiring there, what? Asahi dasse sabhanu jaya. We want to be made servant of Srimati Radhika. Nothing else, nothing else, nothing else. Ekhon ami Sri Govinda Bhai onurodh kori, uni Sri Radharani charane pushpanjali pradan korben Sri Govinda Maharaj. ओम अज्ञानतिमिरान्धशगनाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां, स्मरामि राधाम् मधुरस्मितार्षं, वदामि राधाम् करुणाभरार्द्रां, ततो मम नः श्रीगोपीनां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म। हम लोग कहीं खड़ा हो रही है, अभी बहुत अभी बाकी है, कहीं खड़ा नहीं होंगे, कहीं जाना नहीं है। हाँ जो हिंदी होगा अभी बहुत ही सब भाषा होगा। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म जगत नित्रिला प्रभु श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज चरण कमल अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत मंदिर गमन करी तदनंतर अस्मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रभु श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमल साष्टांग दंडवत मंदिर गमन करी अनंत उज्जवल सन्यासी वृंद सुधीर सज्जन मंडली मातृमंडली यथाजग दंडवत नंदी ज्ञापन कर। श्रील भक्तिविनाथ ठाकुर राधारणी सम्पर्क कीर्तने বলছেন এক জায়গাতে, राधा भजने যদি মতি নাহি বেলা কৃষ্ণ ভজন তব অকারণে। যদি রাধারানীর প্রতি আমাদের নিষ্ঠা না থাকে তাহলে আমরা যা কিছুই করি না কেন সাধন ভজন সবটাই জলে বিফলে যেতে। আবার এক জায়গাতে বলছেন, রাধিকা দাসী যদি হয় অভিমান শীঘ্রই মিলায় তবে গোপুলকান। আমরা এই এতক্ষণ যে মহারাজগণ হরিকথা বললে সব কিছু এই রাধারানী দাসী হওয়ারই ব্যবস্থায়। হ্যাঁ, এখন অনেক সম্প্রদায় আছে যারা রাধারানী পূজা করেন না, রাধারানীর মূর্তিও রাখেন না, কেবলমাত্র কৃষ্ণের সেবা করেন। এ কল কৃষ্ণই, শক্তি ছাড়া শক্তিমানের কোনো অস্তিত্ব নেই।
আবার শক্তিমান ছাড়া শক্তিরও কোনো অস্তিত্ব নেই, দুজনকে সমভাবে দেখতে হবে। অতএব আর বিশেষ করে আমাদের গৌড়ীয় ধর্ম হচ্ছে, ভক্তিগুলো ঠাকুর বলছেন, যেজন সেজন যেভাবে সেভাবে থাকে, আমি তো সদা, আমি তো পক্ষপাতি, আমি তো সদা রাধা পক্ষপাতি, বহু নাহি হেরি থাকে। আমাদের গৌড়ীয় মঠ বিশেষ করে বলছেন যে আমরা সবাই রাধা রানীর পক্ষপাতি, কৃষ্ণ যদিও সব তথাপিও আমরা সবাই রাধা রানীর পক্ষপাতি, রাধার মাধ্যমে আমাদের কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে হবে। শুধু কেবলমাত্র কৃষ্ণের সেবা করলে রাধা রানীর কৃপা লাভ করে। সাধারণত আমরা বাড়িতে যখন ভিক্ষা করতে যাই দেখি অনেক সময় বাড়ির পুরুষেরা ভিক্ষা দিতে চায় না, কিন্তু মায়েরা কোমল হৃদয়, তারা সাধু সন্তকে দেখলে বসান, আদর করেন, ভিক্ষা দেন। সেই রকম কৃষ্ণকে পেতে গেলে সহজে পাওয়া যাবে না, রাধারানীর চরণ ধরে আমাদেরকে সেই কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে হবে, কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে হবে। অতএব রাধারানীর সেবা ছাড়া আর কিভাবে অন্য কোনো রাস্তা নেই কৃষ্ণের লাভ করা। মহাপ্রভু যেমন বলেছেন, হরের নাম হরের নাম হরের নাম ইব কেবলম কলম নাস্তেব 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 গতিরন্যতা, ঠিক তদ্রূপ ব্রজভাবে ভজন করতে গেলেও আমাদের সেই রাধারানী চরণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। আর হরিনামের মহামন্ত্রে যে হরে কৃষ্ণ, হরে মানে রাধে, হরে মানে অনেকে মনে করেন হরে হরা শব্দ থেকে রাধে শব্দ হয়েছে, হরে কৃষ্ণ মানে ওখানে অন্য কেউ নয়, ওখানে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে রাম রাধে রাম, রাম রাম রাধে রাধে বলে। ওখানে যে রাম আছে ওটা দাশরথ নন্দন, দাশরথী নন্দন নাম নয়, ওটা রাধারমণ নাম, রাজবিহারী নাম, রাশেশ্বর নাম, গোপীজন বলল নাম। অতএব এই হরিনামের মধ্যেই ওই রাধারানীর নামও আছে, কৃষ্ণের নাম আছে যুগপৎ। অতএব আমরা সবাই যুগল ভজন করতে হবে, আমাদের যুগল উপাসনা, এইটাই হচ্ছে গৌড়ীয় মঠেরই মূল উপাসনা। অসমদের গুরুপাদমন বলেছিলেন এক আর অপ্রকাটে কিছুদিন পূর্বে, শ্যাম মেব পরম রূপ পরা মধুপুরী পরা বয়স কৈশোর এবং এব ধেয় আদ্য এব পররস, এই আদ্য রস হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রস এবং এইটাই হচ্ছে গৌরী মাসের ভজনীয় এবং উপাস্য, এটাই আমাদের প্রচার্য বিষয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। পাঞ্চাল পর্বতের হচ্ছে কৃপা সিন্ধু বয়স বলিদান পাবনে রাধা কদাচিত পল্লব ভল্লীকে রাধা পদাঙ্ক বিলসন মধুরস্থলীকে রাধা অশোক মুখরমত কদাবলীকে রাধা বিহার বিচলে রমতাং মনোনে। হম লোক গুরু বৈষ্ণব কে আনুগত্য মে ব্রজ মন্ডল পরিক্রমা যহাঁ পর বরসানা মে উপস্থিত হুয়ে হ্যাঁ, শ্রী শ্রীজি কা কুঞ্জ মতলব শ্রী রাধাজি কা কুঞ্জ হ্যাঁ, इसके नीचे में हम जब उतरेंगे वहाँ विश्व भानु महाराज का भवन, विश्व भानु महाराज का भवन था। तो अभी आपने आप लोगों ने सुना श्री राधा जी की महिमा, गौड़ियों की ईश्वरी श्रीमती राधा जी, राधा 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 जी कौन है, तो कहते हैं जहाँ सौभाग्य गुण वांचे सत्य भामा, जार खाई कला विलास सिखे ब्रज रामा, जार सौंदर्य गुण वांचे लक्ष्मी पार्वती, जान पतिव्रता धर्म वांछी अरुंधति। जिनकी सौभाग्य गुण की याचना स्वयं सत्यभामा करती है, जिनके निकट में ब्रज की जितने भी गोपियाँ हैं, जिन कला विलास में जितनी कला आदि सीखती हैं, जिनके निकट सौंदर्य की याचना लक्ष्मी पार्वती भी करती हैं, और जिनके निकट पतिव्रता की भिक्षा अरुंधति भी चाहती है, क्योंकि अरुंधति सबसे बड़ी पतिव्रता कही जाती है, क्योंकि वो भी राधा जी के पास में पतिव्रता की शिक्षा चाहते कि मैं भी आपकी पतिव्रत, हम समझते हैं राधा रानी पतिव्रत नहीं है कि ब्रज की गोपियाँ तो व्यभिचारिणी है, व्यभिचार है दुष्टा, वह व्यभिचारी वो है जो कृष्ण का भजन नहीं करते, वो सभी जितनी व्यभिचारिणी है और कृष्ण का भजन करने वाली सब पतिव्रताएं हैं। इस प्रकार कृष्ण भी जिनके गुण की व्याख्यान नहीं कर सकते हैं ऐसी श्रीमती राधा जी हैं। तो क्या कहें, सुन बरसाने वाली गुलाम तेर बनवारी, हाँ, जिनके राधा जी के पायल में जिनकी मुरलियाँ बसती हैं,
कृष्ण की मुरली किसके बसती है? राधा के पायल बसती है ना, तो कृष्ण की मुरलियां बसती है। तो जिनके पायलिया में बाजे मुरलिया, छम छम नाच गिरी धारी, गुलाम तेरो बनवारी, राधन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। तो ये हमारी ऐसी राधा रानी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण है, और ये हमारे राधिका वो अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते जिमात्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार निधि सिद्धि सत् पदांगुलि नके कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भागिन। राधा कृपा कटाक्ष में है, अनंत कोटि विष्णु लोक जिनके चरणों में नमस्तक होते हैं, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा मतलब ब्रह्माणी शिवानी इंद्राणी भी जिनके चरण कमलों की छटा है, वो श्रीमती राधिका जी है। तो ऐसे हम राधे जी की दासी है, राधिका दासी यदि हो अभिमान, शीघ्र ही मिले तव गोकुल गान, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सब नायमानी। उमा रमा सबा सत्या रुक्मिणी चंद्रा सब राधा जी की दासी की दासी की दासी है, इसलिए हम लोग राधा जी की दासी बनना चाहते हैं। अगर कृष्ण के निकट सब तो बहुत ज्यादा कृष्ण के भक्त हैं, राधा गौड़ी वैष्णव छोड़ करके और कृष्ण के भक्त कोई नहीं, मैंने राधा जी के भक्त नहीं, सब कृष्ण की उपासना करते हैं। अगर कृष्ण के तो पास कुछ मांगना ही है तो हे श्याम सुंदर श्रीखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण की करी गुरु। हे श्याम सुंदर हे श्रीखंड शेखर हे स्मेरहास हे मुरली मनोहर, अगर आप हमको कुछ वरदान देना ही चाहते हैं तो आपकी प्रिया श्री राधा जी हमको किंकरी बना दो। इस प्रकार हमारे गोस्वामी लोग उनके निकट प्रार्थना करते हैं। यत् किंकरिषु खलुषा भूका कुमामि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौली यस्या कदा रसनिधि विषभानुजाया स्तत् की निकुंज भवनांगन माजनिश्याम। राधा जी किंकरी तो बहुत दूर की बात है, अगर राधा जी के कुंज की हम लोग जो कुंज में अगर झाड़ू लगा झाड़ू है उसके अगर सलाहकार बन जाए तो भी हमारा सौभाग्य और कल्याण होगा। इस प्रकार हमारे गोस्वामी वो किस प्रकार राधा जी के निकट प्रार्थना की है, तो राधा जी हमारे गौड़ियों की ईश्वरी हैं और राधा जी के निकट में कृष्ण भी भिक्षा मांगते हैं। वो राधा जी प्रेम प्रेम की भाव प्रेम सार भाव भाव सार महाभाव महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, तो महाभाव की स्वरूप श्री श्रीमती राधिका है, वो कृष्ण की नित्य गुरु है, कृष्ण भी जिनके निकट में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसकी यशा कदा वसनांचन खेलनत धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपी कश्या वृषभानु भू दिशो अपनी। उस कृष्ण कहते हैं कि मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूँ जहाँ पर राधापुर में श्रीमती राधा जी खड़ी हैं, वहाँ से उनके वस्त्र के आंचल से पवन स्पर्श करके आता है। तो कृष्ण कहते उस पवन को अपने को स्पर्श करते हुए कहते हैं मैं धन्य आदि धन्य पवने ने कृतार्थमानी, वो पवन धन्य है जिसने राधा जी के वस्त्र स्पर्श किया और उसको मैं स्पर्श किया, इसलिए धन्य आदि धन्य पवने ने कृतार्थमानी, उसमें दिशा को प्रणाम करता हूँ, उस दिशा से राधा रानी खड़ी है। इस प्रकार राधा जी के महिमा यथा राधा प्रिया तस्य कुंडम प्रिय तथा, इस प्रकार राधा जी सर्व कांता शिरोमणि सभी कांताओं में सर्व गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है, कई रूपयोर मध्य राधिका सर्वाधिका, तो सबसे राधा जी ये मदन मोहन कृष्ण तार मोहिनी अतएव सर्व पूज्या राधा ठाकुरानी, मदन मोहन कृष्ण है उसको भी मोहिनी श्रीमती राधा जी है। ऐसे राधा जी की हम दासी बनना चाहते हैं, ये हमारी ईश्वरी राधा ठाकुरानी उनके हमारे गुरु उपासक हैं। चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव द्वितीय सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वही राधा जी की भाव अंग गांधी लेकर चैतन्य महाप्रभु आए थे और चैतन्य महाप्रभु हमको यही सिखाया कि राधिका रे दासी यदि हो अभिमान शीघ्र मिले तब गोकुल गान वंशावल पतरु कृपा। हरे कृष्ण श्रीमती राधा अर्जुन कृष्ण के जिज्ञेस करछे हरा फोन रखे ना क्या पूछिए, किसी का फोन खो गया यदि मिला है कृपया हम लोग के पास दे जाए। जो आपका श्रवण कर ले विभिन्न भाषा से বলছেন আমরা সকলেই কৃষ্ণ প্রেম চাই, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম পেতে হলে কি করতে হবে? শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলছেন বিনা রাধা প্রসাদেন মত প্রসাদেন বিদ্যতে সত্যম সত্যম পুনঃ সত্যম সত্যমেব বদাম্যহম
বিনা রাধা প্রসাদে নমত প্রসাদ বিদ্যতে সত্যি সত্যি বিশ্বত্ব করে বলছি রাধিকার কৃপা ছাড়া আমার কৃপা লাভ করতে কেউ পারবে না। কৃষ্ণ স্বয়ং কহ রে হ্যাঁ জব তক রাধাজির কৃপা না হো তই কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত নেই কর সকতে। আপ শ্রী শান্ত মহারাজ তথা এই চরণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন যে শান্ত মহারাজ সর্বপ্রথমে গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুবাদ অষ্ট শত শ্রী বামানন্দ স্বয়ং মহারাজ এবং নিত্যলীলা প্রবিষ্ট নারায়ণ স্বয়ং মহারাজ শ্রী রূপালী গুরুবর্গের চরণে আমার প্রণাম জ্ঞাপন করি। সেই সঙ্গে সবাই উপস্থিত বিদ্যার্থী সন্ন্যাসীবৃন্দ বৈষ্ণব ভক্তজন সবাই চরণে আমার যথাযোগ্য দণ্ড প্রণাম এবং সাদর আমন্ত্রণ। মহারাজগণ আদেশ দিলেন কিছু রাধারানী সম্বন্ধে বাংলায় বলতে। আমার গুরুদেবের কথা মনে হয় গুরুবর্গে শ্রী গুরুদেব বামনসাই মহারাজ বলছেন কি রাধিকা রাধিকা চরণ পদ্ম সকল শির সদ্ম যতনে যে নাহি আরাধি যতনে যে নাহি আরাধি। এই কীর্তনে বলেছেন রাধিকার চরণ কমল ওইটা সকল যত চরণ কমল আছে কৃষ্ণ বিষ্ণু দেব দেবতা সবাই থেকে শ্রেষ্ঠ চরণ কমল হচ্ছে শ্রীমতী রাধা। যার চরণ কমল চরণ কমলের আলতা পায়ের আলতা তিনি মাথায় লাগাচ্ছেন সেই জন্য কৃষ্ণ হয়ে গেলেন পরম রসিক রসিক চূড়া। একসময় মান করেছেন রাধারানী মান করে বসে আছেন তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বললেন দর্শন দিন এই দুর্জয় মানকে তিনি কিভাবে তার মান ভঙ্গ করবেন। কবি জয়দেব গোস্বামী তিনি এই লাইনটা লিখতে পারছেন না যে ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যিনি মালিক হর্তা কর্তা তিনি একটা কিশোরী মেয়ের চরণে কি করে তিনি মাথাটাকে নত করে তিনি এটা ইয়ে করতে পারছেন লিখতে পারছেন। তখন ভগবান ওই কবি জয়দেব গোস্বামী রূপ নিয়ে তিনি লিখলেন স্মরগরল খণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম দেহি তব পল্লব। এইসব কথা এই রসিক এই রাধারানী রাধা তত্ত্ব মহারাজা বললে অনেক অনন্তকাল বললেও শেষ হবে। এই জন্য রাধা মানে হচ্ছে আরাধনা থেকেই রাধা সঙ্গে রাধা বলতেই কৃষ্ণ তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তার পিছনে ধাবিত হন এই জন্য রাধা। তো সেই জন্য রাধারানীকে বলছেন ওই কীর্তনে বলছেন রাধিকা উজ্জ্বল রসের আচার্য রাধা মাধব শুদ্ধ প্রেমের বিচার্য। রাধারানী কি উন্নত উজ্জ্বল রসের আচার্য মানে গুরু কৃষ্ণ স্বয়ং তিনি রাধারানী থেকে তিনি প্রেম শিখছেন তার কাছে নৃত্যকলা শিখছেন কিভাবে নৃত্য করতে হবে। রাধারানীকে মান করছেন তিনি নিজের সুখের জন্য না মায়েরা কখনো বাবাদের কাছে মান করেন হ্যাঁ অভিমান করে মান অভিমান করেন কিন্তু ওখানে নিজের সুখের জন্য কিন্তু রাধারানী মান করছেন কিন্তু নিজের সুখের জন্য তিনি কৃষ্ণের প্রীতি বর্ধন করার জন্য সেই জন্য বলছেন রাধে জয় জয় মাধব দইতে গোকুল তরুণী মণ্ডল হইতে দামোদর বর্ধনবেশে হরি বিস্কুট বৃন্দ
গোস্বামী তিনি এই কীর্তনটা লিখেছেন, তিনি রতি দামোদরে রতি বর্ধন, রতি মানে প্রেম বর্ধন করার জন্যে তিনি সেই রাধারানী রূপে তিনি এসেছেন, লীলারস আস্বাদন করার জন্যে তিনি রাধা রূপে এসেছেন। সময়ের মধ্যে যে আনন্দ অনুভব করার, যে উপলব্ধি করার যে শক্তি, আল্লাদিনী শক্তি, সবচেয়ে আনন্দ শক্তি, সেই শক্তি যখন এই সংসার ভৌতিক জগৎ থেকে আনন্দ নিতে চায় তখন সে ওই জড় আনন্দতে বসীভূতে মায়ার নকরে। আর ওই কৃষ্ণ তার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের তার আনন্দ নেওয়ার অনুভব করা এবং দেওয়ার যে শক্তির দ্বারা হয় সেটা হচ্ছে আল্লাহদিনই শক্তি। তাই তিনি যে শরীর থেকে দ্বিতীয় একটা রূপ দিলেন তার নাম হচ্ছে রাধা। এই জন্য বলছেন কৃষ্ণের প্রেম যে প্রণয় রূপ হচ্ছেন সে হচ্ছে রাধা। এই জন্য রাধারানী সাধারণ নয়, তিনি কৃষ্ণের ও আরাধ্য, তিনি রাধারানী যার নাম। তার চিন্তন করতে করতে ইমরি তোলাতেই সেই আজকে ঠকাতে চাচ্ছিল, কারণ ওই বিষ্ণু পর্বত কালো, শ্রীধর মহারাজ কালো, তো ওই ব্রহ্ম পর্বতে বসে আছে যারা সব, উমা দিদি পরিষ্কার, সবাই পরিষ্কার। হ্যাঁ, কিন্তু ওই কৃষ্ণ রাধা চিন্তন করতে 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 তিনিও কি হয়ে গেলেন রাধারানী বর্তমান। আমরা যারা ওনার ভালোবাস, আমরা সবাই সেই যেন তার সেবা পাপ, আমরা সেই গুরুবর্গের কাছে এবং সন্ন্যাসীদের করি আমার মধ্যে যেন সেরকম সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, এই বলে আমার কথা। হরে কৃষ্ণ, আপ লোগোনে বাংলা মে শ্রবণ কিয়া, জব কৃষ্ণ ব্রজ ছোড় কে মথুরা কি দ্বারকা আয়ে, দ্বারকা মে একদিন অর্জুন পুছ রহে হ্যায় কৃষ্ণ সে, মেনে সুনা গোপিয়া কে তুমারা সাথ বহুত সম্বন্ধ হ্যায়, এসে ক্যা সম্বন্ধ হ্যায় যে তুম গোপিয়ো কে ঋণী মানতে হো। তব কৃষ্ণ বতায়া, সহায়া কুরব শিষ্যা বুঝিসা বান্ধবা, সত্যং বদানি তে পার্থ গোপ কি মে ভবন্তু ন, গোপী মেরি সহায়িকা হ্যায়, গোপিয়া মেরি গুরু হ্যায়, গোপিয়া মেরি হ্যায়, জগত মে কোই হামারে গুরু হ্যায়, জেসে শ্রীল বামন গোস্বামী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ হামারে গুরু হ্যায়, ও হামারে শিষ্য ভি হ্যায়, হাম যে সোচে তো অপরাধ হো জায়েগা, ইন গোপিয়া কৃষ্ণ কে গুরু ভি হ্যায়, শিষ্য ভি হ্যায়, অর ভুজ হ্যায়, বান্ধব ভি হ্যায়, প্রিয়া হ্যায়, সব কুছ হ্যায়। কৃষ্ণ কহে জগত মে এসে কোই সম্বন্ধ নেই হ্যায় জো মেরে গোপিয়ো কে বীচ মে নেই, সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ গোপিয়ো কে সাথ। Now Mahavir Maharaj, Gurave Gaura Chandraya Radhikai, that I would like to share here. So many Brajavasis, they have some misconceptions regarding Srimati Radhika's relation with Krishna and so many other things. But we know that our Gurudev, Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja, he was a specialist in Radha Tattva. Radha Tattva was his speciality, and so far no one has explained that in such a beautiful and such deep way like him. So it is common here in Braj, especially in Varsana and other places, they call Śrīmatī Rādhika as Matteśvarī. But Matteśvarī is not actually representing the madhurja, the sweetness of Braj. So this way Śrīla Gurudev, he explained that it may be in some other aspect Radharani, she may be called Matteśvarī, but in Braj she can never be called Matteśvarī, because here she is not mother of anyone. Here either she is the
daughter-in-law of Jyotila, otherwise she is the beloved of Krishna, otherwise she is the Swamini of Rupa Manjari, Rati Manjari and others. So everything we have to see according to the relationship. So in this way, Shri Gurudev said it is very, very sad. Devasis, they are giving such titles to Srimati Radhika, which are actually destroying the whole sweetness and the whole speciality of Srimati Radhika here in Braj. So Srimati Radhika, she is not Manteshwari, she is Raseshwari. This is actually the best title that we can give to Srimati Radhika. Without Srimati Radhika, there is no reason for Krishna to play Ras. Angilo Sirasa Mandalatovi, Radhaya Vishan, Uvinaka Haru Ras. So without Srimati Radhika, where is Ras? There is no meaning for Krishna to play Ras. In this way, Srila Gurudev, very expertly, he extracted this Radha Bhav, this Radharani's glories from each and every place and distributed them to the whole world. And he made each and every of his followers also in Pradaya, it is meant for the Aradhana of Srimati Radhika. But if you take the words of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he says, Srimad Bhagavatam Pramana Amalam, the evidences you find in Srimad Bhagavatam. The name of Radha is not there in Bhagavatam. Then how can you say that Bhagavatam is Pramana for Gaudiya Sampradaya? Then Srila Gurudev, very nicely, he is describing that actually each and every verse of Bhagavatam speaks about Radha. Not only that, each and every word of Bhagavatam speaks about Radha. Pujapada Sridhar Maharaj quoted this very beautiful verse, which is one of the evidences. Anaya Radhi Tulunam Bhagavam Harishwara Yen Novihaya Govinda Prittoyanayadiraha. From this word Anaya Radhi To, it is coming the word Aradhana, and from Aradhana that one who is the best worshipper of Lord. So in this way, we have to understand what is our real mood when we come here. We should only pray to become a Paryadasi of Srimati Radhika and understand the Swamini of Krishna. And our relation with Krishna is only through Srimati Radhika. Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai, Jai Jai Shri Ram.